नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मरकरी, आज हम पढ़ेंगे वीनस। वीनस की स्थिति हम सौरमंडल में देखते हैं। ये हमारा सूर्य है और सूर्य के बाद में बुध ग्रह आता है और बुध के बाद वीनस ग्रह आता है, जो आप यहाँ ये डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये वीनस है, ये हमारा वीनस है और अर्थ से जस्ट हमारा पहले ये ग्रह आता है। तो सूर्य के जस्ट बाद बुध और बुध के बाद में वीनस। तो वीनस की बात करते हैं आज। तो वीनस बुध के बाद सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है और इसका नामकरण जो है प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। चंद्रमा के बाद रात्रि में ये आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। सूर्य से जो पास के जो ग्रह हैं उनको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, तो इनमें वीनस भी एक पार्थिव ग्रह है, यानी इसका इसकी जो संरचना है वो भी चट्टानी है। और पृथ्वी से अगर हम वीनस को देखते हैं तो हमें ये सूर्य कभी भी सूर्य से दूर नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी है और उसके बाद में वीनस, फिर बुध और सूर्य, यानी सूर्य यहाँ से पृथ्वी से काफ़ी दूर है, इसलिए वीनस जो है कभी भी सूर्य से हमें दूर नहीं दिखाई देता। ये वीनस जो है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि वीनस ग्रह को हम सांझ का तारा और भोर का तारा के नाम से पहचानते हैं। तो ये ओवरव्यू था वीनस के बारे में कि सोलर सिस्टम में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं वीनस दिखता कैसे एक्चुअल में। ये देखिए, आप यहाँ वीनस की एक फोटो आपको दिखाई दे रही है। ये वीनस ग्रह पूर्ण रूप से चट्टानी ग्रह है। यहाँ पे ज्वालामुखी निर्मित संरचनाएं बहुत सारी पाई जाती हैं, दरारें, पहाड़, चट्टाने पाई जाती है। अगर इसके प्लाइन वेग की बात करें कि इसकी सतह से हमें खिसक के और दूर जाना है, तो ये जो प्लाइन वेग है वो 10.36 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तभी हम इस ग्रह को छोड़ पाएंगे। अगर इसके एक्सियल घूर्णन की बात करें कि ये सूर्य के चारों ओर कितनी दिनों में चक्कर लगाता है और अपने एक्स पे कितने दिनों में चक्कर लगाता है, तो ये अपने एक्स पे 243 दिन में चक्कर लगाता है और सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिन में चक्कर लगाता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि एक तो इसका 243 हुआ और एक 225, यानी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 225 दिन में और अपने एक्स पे घूमता है 243 दिन में। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये इसका एक साल जो है 225 दिन का है और इसका एक दिन जो है 243 दिन का है। तो ये एक ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन एक साल से बड़ा है। और ये वीनस जो है बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे धीमी गति से घूमता है, क्योंकि हमने देखा कि जो बुध ग्रह है वो 58 डेज में अपने एक्स पे घूमता है, पृथ्वी एक दिन में अपने एक्स पे घूमती है और यहाँ वीनस जो है 243 डेज में अपने एक्सिस पे घूमता है। जो इसका घूर्णन काल है 243 दिन, जिसको हम नक्षत्र घूर्णन दिवस भी बोलते हैं कि नक्षत्र किस तरह से घूमते हैं, बाकी ग्रह जो घूम रहे हैं अपने एक्स पे, तो उसको नक्षत्र घूर्णन बोलते हैं। बुध ग्रह पे CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 96.5% लगभग CO2 इसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि ये ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है कहलाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 460 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पाया जाता है, यानी 462.4 के करीब इसका पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की जो CO2 जो पाई जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यहाँ का वायुमंडल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इसी कारण ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह भी ये है।
ये रात्रि में चंद्रमा के बाद में दूसरी चमकीली वस्तु इसी को बोलते हैं। इसका परस्करण पसर कोण जो बोलते हैं, एलोंगेशन एंगल जो बोलते हैं, वो 47.8 डिग्री अधिकतम पहुंचा है, क्योंकि ये प्रसर कोण किसको बोलते हैं कि कोई आदमी पृथ्वी के किसी स्थान पे खड़ा है, ये विनस है और ये सन है, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण जो है प्रसर कोण बोलते हैं, और ये 47.8 डिग्री के करीब बनता है। इसकी सतह पे वायुमंडल के दाब की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 92 गुना इसका वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। इसके वायुमंडल में हमने अभी देखा 96.5% जो है CO2 और बाकी जो है गैसों में 90 नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होती है, यानी बाकी सारी गैसें मिला के 3.5% इसमें होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसको पृथ्वी की जुड़वां बहन भी बोलते हैं, और क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है और इसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में देखें तो 0.8, अगर पृथ्वी का एक है तो इसका 0.8 है, और इसका आकार देखें तो पृथ्वी का अगर एक मानते हैं तो इसका 0.9, यानी बहुत थोड़ा कम, यानी दोनों लगभग बराबर है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो पृथ्वी की डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और विनस की जो है 5.243 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी डेंसिटी भी लगभग इसके बराबर है। अगर इसकी हम व्यास की तुलना करें तो इसका व्यास जो है 1292 किलोमीटर के लगभग है, जो कि पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर ही कम है। शुक्र के जो जो वायुमंडल है उसकी खोज एक रूसी साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी, उनका नाम था मिखाइल लोमानोसो। उन्होंने 1761 में इसके वायुमंडल की खोज की। शुक्र जो है लगभग सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था ई का मान, ई अगर एक है तो लगभग बराबर है, यानी इसके ई का मान 0.01 इसका ई का मान है, यानी लगभग इसकी जो इसका पाथ है वो वर्ताकार है विनस का। इसके बाद इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि और हम कुछ करने से, एक मिनट। चूंकि ये एक ज्वालामुखी संरचना है, इस पर बहुत सारी बनी हुई है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पहले यहाँ पे महासागर भी थे, जो इसकी गर्म प्रवृत्ति के कारण इसका पानी जो है भाप बन के उड़ गया, और जो ज्वालामुखी पर्वत है बहुत सारे बने हो के रह गए। तो इस ग्रह पे 80% जो हिस्सा है इसका वो चिकना और ज्वालामुखी मैदानों से आच्छादित है, और इस ग्रह पे दो उच्च भूमि पाई जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं, एक उच्च भूमि यहाँ पे शो कर रही है और एक भूमि यहाँ पे शो कर रही है, दो उच्च भूमि है। ऊपर वाली भूमि को बेबीलोन की प्यार की देवी के नाम पे स्टार टेरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार टेरा, यानी स्टार टेरा बोलते हैं। और जो नीचे की जो भूमि है साउथ में, अगर हम इसको बीच में से दो भागों में बांटते हैं तो ये साउथ वाली जो भूमि है इसको एफ्रोडाइट टेरा बोलते हैं। ये एफ्रोडाइट टेरा जो है ग्रीक की प्यार की देवी के नाम पे इसका नाम रखा गया, इसका नाम बेबीलोन की प्यार की देवी के नाम पे और इसका ग्रीक की प्यार की देवी के नाम से। विनस ग्रह का सबसे जो ऊंचा भाग है मैक्सवेल माउंटेस जिसको बोलते हैं, जिसका नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के नाम पे रखा गया, ये स्टार टेरा पे ही स्थित है। बाकी कुछ संरचनाएं बनती है जो शुक्र ग्रह के धरातल पे पाई जाती है, उनको पहली संरचना है उसमें फेरा जो संरचना होती है वो चपटे शिखर वाली ज्वालामुखी संरचनाएं होती है, जैसे मालपुआ होता है उस तरह की दिखने वाली चपटे शिखर वाली ज्वालामुखी संरचनाओं को फेरा कहते हैं। दूसरी संरचना है नोवा,
नोवा जो है 100 से 1000 मीटर ऊंची दरार युक्त सितारा की तरह दिखने वाली चक्रीय प्रणाली होती है, उसको हम बोलते हैं नोवा। जैसे हम बोलते हैं सुपरनोवा, तो वो जो घटना होती है कैसे गोल गोल चक्कर जैसी प्रणाली होती है उसी की तरह। फिर है अर्कनोइड। अर्कनोइड ये संरचना जो है चक्रीय और संकेंद्रित दरारों और दोनों के साथ मकड़ी के जाले से मिलती जुलती संरचना है, यानी ऐसे गोल गोल चक्र के रूप में, यानी एक एक ही केंद्र के चारों तरफ बहुत सारे चक्र, यानी मकड़ी के जाल के जैसी बनी हुई संरचना जो रहती है उसको अर्कनोइड बोलते हैं। ये इस वीनस ग्रह पे पाई जाती है। एक जो है जो यहाँ पे एक संरचना पाई जिसको बोलते हैं कोरोना। ये जो कोरोना है वो दरारों से सजे वृत्ताकार छल्ले होते हैं, यानी ये वृत्ताकार छल्ला है, ये इस पे बहुत सारी दरारें पाई जाती है, तो ये सूर्य के कोरोना जैसे सदृश संरचना बनती है, इसलिए इसको कोरोना कहते हैं। तो ये जो चार संरचनाएं इसके धरातल पे पाई जाती है। अगर इसके एक्सियल टिल्ट की बात करें, जैसे हम पृथ्वी के टिल्ट की बात करते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने मेन एक्सिस से झुकी हुई है, तो ये जो है 3 डिग्री खाली झुका हुआ है अपने एक्सिस से, मेन एक्सिस से 3.5 डिग्री करीब झुका हुआ है, जो कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस पे जो अभी तक जो यान पहुंचे उन यानों में वेनेरा के जो बहुत सारी सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5 जिनको इसके धरातल के निरीक्षण के लिए छोड़ा गया, तो ये वेनेरा 1 से लेकर 16 तक है। उसके बाद मेरिनर, कॉस्मोस, तो ऐसे बहुत सारे जो है यान धरती से प्रक्षेपित किए गए अमेरिकन एजेंसी द्वारा द्वारा नासा द्वारा। तो इनमें जो सबसे पहले धरती से जो छोड़ा गया था स्पेसक्राफ्ट, उसको मेरिनर 2 बोलते हैं, 1962, जो जिसने इस ग्रह की विजिट की, यानी शुक्र ग्रह की सबसे पहले विजिट की थी मेरिनर 2 ने, और सक्सेसफुली जो लैंड हुआ था वो हुआ था वेनेरा 7 1970 में। शुक्र की जो सुबह की जो पहलू होती है, हमने यह देखा सांझ का तारा और भोर का तारा, तो जो भोर का तारा वाली जो जो पहलू होता है उसको हम लूसीफेयर बोलते हैं, और शाम के पहलू को जो है वेस्पेयर के नाम से जाना जाता है। और इसका फर्स्ट डिटेल मैप जो है वो मेगलन ऑर्बिटर ने दिया था 1991 में। एक इसमें एक टर्म आती है उसको अवर संयोजन बोलते हैं। अवर संयोजन का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है तो उस कंडीशन को, यानी ये हमारी पृथ्वी है और ये सन है, अगर इन दोनों के बीच में कोई ग्रह आ जाएगा तो उसको अवर संयोजन बोलते हैं। तो विनस जो है पृथ्वी और सूर्य के आने में 584 दिन का टाइम लेता है, यानी एक बार घूम के आने में जब दोबारा आएगा तो 584 दिन लगेगा, यानी 584 दिन में ये अवर संयोजन की स्थिति को दर्शाता है। इसका अगर घूर्णन वेग की बात करें तो ये अपने एक्सिस पे 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है। इसकी तुलना में पृथ्वी 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसा कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और ये यहाँ पे इस ग्रह की एक खास बात है कि जिससे हमारे धरती पे सूर्य पूर्व में उदय होता है, लेकिन विनस में सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। इसका एक रीजन है क्योंकि ये बाकी यूरेनस को छोड़ के बाकी ग्रहों की तुलना में ये विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। एक बात यहाँ है कि हमने सूर्य वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने बोला था कि सूर्य पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य भी बाकी ग्रहों की तरह जो है वामावर्त शो करता है, यानी सौरमंडल में सूर्य की जो परिक्रमा चलती है निहारिका के चारों तरफ वो पश्चिम से पूर्व की तरह ही होती है, जैसे बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन विनस और यूरेनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व और इसे पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसको एक टर्म देते हैं दक्षिणावर्त
और भी बोलते हैं इसको, प्रतिगामी करके भी इसको बोलते हैं। इसके इसके अलावा इसकी डेंसिटी की बात हमने की थी 5.243 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और ये एक पूरी डिटेल थी शुक्र के बारे में जो कि आपने अभी देखा। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र के की आंतरिक संरचना। अब देखिए ये इंटीरियर ऑफ विनस है, इसका जो अंदर का जो कोर है वो पृथ्वी के कोर की तरह ठोस नहीं होकर थोड़ा लिक्विड रहता है, उसकी वजह से अभी यहाँ पे इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कम होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड 96.5% लगभग इसकी रहती है, 96% लिखा है यहाँ, तो 96.5% लगभग रहती है। और इसके वायुमंडल पे एक सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे एक परत पाई जाती है, इसी परत के कारण ये जो सौरमंडल से जो किरणें इसके धरातल पे आएगी, इसके वायुमंडल पे आएगी, टकराएगी इनसे, सल्फ्यूरिक एसिड के इन बादलों से टकरा के वो 96 to 95% के लगभग जो सौर किरणें हैं वो प्रवर्तित होके चली जाएगी। और इसके बाद इसका पृथ्वी की तरह ही क्रस्ट मेंटल कोर इसमें पाए जाते हैं, ये देख रहे हैं रॉकी मेंटल क्रस्ट, और पृथ्वी के कोर की तरह इसमें मेटलिक कोर पाया जाता है। तो इसकी आंतरिक संरचनाएं थी। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल होते हैं, ये बादल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनमें जब सौर किरणें आती है और टकराती है तो इनमें बिजली उत्पन्न होती है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिक बहुत सारे लोग हैं जो अध्ययन कर रहे हैं कि क्या रीजन है कि इसमें पृथ्वी की तरह बिजली टकरा रही है फिर भी बारिश नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ जो बारिश होती है वो ये यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होगी वो भाप बन के तुरंत उड़ जाएगी, यानी धरातल पर पहुँचेगी ही नहीं। तो ये विनस के बारे में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा पृथ्वी के बारे में, डिटेल से पृथ्वी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।